हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा टेक्नो स्पार्क गो फ़ोन है, तो टेक्नो स्पार्क गो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि आप कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर फुल स्क्रीन कैमरा का आप यूज़ कैसे कर सकते हैं और फ़ोटोज़ भी फुल स्क्रीन कैमरा के जरिए कैसे खींच पाएंगे कैमरा आइकन्स के जरिए। तो आज हम बताने वाले हैं कि फुल स्क्रीन कैमरा का आप यूज़ कैसे कर सकते हैं और फ़ोटोज़ भी फुल स्क्रीन कैमरा के जरिए कैसे खींच सकते हैं कैमरा आइकन्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि फुल स्क्रीन कैमरा का यूज़ कैसे कर सकते हैं और फ़ोटोज़ भी कैसे खींच पाएंगे कैमरा आइकन्स के जरिए। तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। ओपन होते ही आपको इसमें से जाना है कैमरा आइकन्स पे। क्लिक करते ही फ़ोन का जो कैमरा है आपका कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो इसके जरिए फुल स्क्रीन कैमरा का आप यूज़ कर पाएंगे और फ़ोटोज़ भी फुल स्क्रीन में खींच सकते हैं। तो आपको फ्रेम साइज़ पे जाना है और फ्रेम साइज़ को यहाँ से फुल साइज़ में आप कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से फ्रेम साइज़ को फुल साइज़ में कर सकते हैं और फ़ोटोज़ भी आप खींच पाएंगे जब आप फ़ोटोज़ को खींचते हैं। तो कुछ इस तरीके से फ़ोटोज़ फुल साइज़ फ्रेम में शो हो जाती है और फ़ोटोज़ को फुल फ्रेम में आप खींच सकते हैं कैमरा आइकन्स पे जाकर, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। और आप चाहें तो फ्रेम साइज़ को स्मॉल साइज़ में भी कर सकते हैं, इस तरीके से स्मॉल साइज़ भी हो जाता है एंड आप फ्रेम साइज़ को मीडियम साइज़ भी कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से ऑप्शन समझ नहीं आ रहा है तो आप सेटिंग्स पे जाकर भी फ्रेम साइज़ को चेंज कर सकते हैं। आपके पास इमेज साइज़ का ऑप्शन आ जाता है, देख सकते हैं। तो इसके जरिए भी आप कैमरा फ्रेम को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से फुल फ्रेम कर सकते हैं। 20:9, 1:1 एंड 4:3 तक आप चेंज कर सकते हैं। तो 20:9 कर दें तो फुल स्क्रीन फ्रेम आपकी स्क्रीन पे शो हो जाता है कैमरा फ्रेम में कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से फुल स्क्रीन कैमरा का यूज़ कर सकते हैं और फोटोज़ भी खींच सकते हैं कैमरा आइकन्स पे जाकर। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।